अस्सलामुअलैकुम गाइस, आपका दोस्त उमर लजनी आपके सामने फिर से हाजिर है आपके लिए कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अभी लेट आवर्स है, 7 साढ़े 7 बजे है शाम के, तो आप ये सन देख सकते हो, सनसेट। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, कि कबूतरों की जो ब्रीड है ना, ब्रीड कैसे बढ़ाया जाए। मतलब एक तो होता है ब्रीड कैसे प्योर की जाए, वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा ब्रीड कैसे बढ़ाई जाती है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई पेयर ऐसा है जिस पेयर के बच्चे आपको लेने चाहिए, या तो किसी मादा के विंग्स में या लेग्स में वो लंप गांठ बन जाता है, तो आप अब चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे ले, उसके बच्चे हम कैसे ले सकते हैं ज़्यादा, ये मैं बताऊंगा आपको। आमतौर पर देखोगे बड़े मकानों पे जंगली कबूतर होते हैं, जो जंगली, जिनको हम यहाँ पे जंगली बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हो, वाइल्ड पिजन्स बोल सकते हैं, जो कि आमतौर पर स्ट्रीट पिजन्स भी कह सकते हैं उनको। तो वो आप देख सकते हो, वो जो उस छत पे आपको पिजन्स दो नज़र आ रहे हैं, ये मैं जूम कर लेता हूँ, ये इस टाइप के पिजन होते हैं। ये अभी फ़िलहाल दो पिजन्स है उधर, हाँ कॉर्नर पे दोनों है। तो ये एक पेयर है, तो ये पेयर मान लो मेरा अपना ही पेयर है, मेरे पास अभी 6 जंगली पेयर है। अब आप बोलोगे 6 जंगली पेयर कहाँ से लाया आपने, तो एक्चुअली आपको पता ही होगा मेरा जो मकान है, आमतौर पर ये बड़े मकानों में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, यहाँ पे रूफ्स के ऊपर रहते हैं। तो मेरे जो मकान है अभी फ़िलहाल, मेरा मान लो 3 मंजिल है, उसके बाद हॉल है, उसके बाद और एक मैंने बना रखा है, मान लो 5वीं मंजिल है। तो ये बैठते, इनको हमको बनाना होता है, कुछ ऐसे डिब्बे रखने होते हैं, पेटी रखनी होती है, जिसमें पहले कम से कम जो मतलब क्या कहते हैं इसको, पिजन्स ना मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उस जगह, वो वहाँ पे शांत होना चाहिए। शांत जगह जहाँ पे होती है वहाँ पे वो जंगली अपने नेस्ट बना लेते हैं। तो उसमें फिर क्या होते हैं, जब आपके जंगली नेस्ट बना लेते हैं तो फिर वो अंडे डालते हैं। आपको पता होना चाहिए जंगली का अंडा अगर फ्रेश है ना, आपके कबूतर ने अंडे डाले, 2-3 दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके कबूतर के अंडों के ऊपर 3 दिन हो गए हैं, या अगर जंगली बैठा है अपने अंडों के ऊपर 3 दिन भी हो गए हैं, ठीक है 3 दिन तक ठीक है, फिर बट 3 दिन के बाद अंडे ज़ाया मत करें, क्योंकि 3 दिन के बाद वो अंडे में वेंस बन जाती है, नसें बन जाती है, तो वो गलत ही बात होती है। अंडा अंडा पहले ही अब अगर फ्रेश ही डालते तो खा लेना चाहिए, वैसे कि मैं करता हूँ, मैं अपने कबूतरों के अंडे खा लेता हूँ। तो मैं अपने कबूतरों के अंडे खा लेता हूँ, फिर मैंने रखे हैं 10-15-20 अंडे, ख़राब अंडे जो है वो फिर अपने कबूतर को रखता हूँ, क्योंकि फर्टिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप अपनी मादा से अंडे उठाओगे दो, फिर जंगली के ऊपर जंगली रखोगे नीचे, तो फिर क्या होता है, फिर फर्टिलिटी प्रॉब्लम आ जाती है कबूतर में। फर्टिलिटी प्रॉब्लम कैसे आ जाएगी, जो जंगली कबूतर होता है, जो हमारे कबूतर होते हैं, हम उनके अंडे उठा लेते हैं, वो एग्स जब डालती है ना, सेकेंड एग, जो जब मादा सेकेंड एग डालती है, तो वो नर जो होता है ना फॉलो करता रहता है, अंडे की तड़प में, मेटिंग की तड़प में फॉलो करता रहता है मादा को कंटिन्यूसली। लेकिन जब वो दूसरा अंडा डालती है, आप क्विकली उठा लेते हो दोनों अंडे, तो उससे क्या हो जाता है, नर फिर से फॉलो करने लगता है कंटिन्यूसली। मादा की फर्टिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वो फिर उसकी फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे वो अंडे दोबारा डालने की कोशिश करती है, फिर वो डालती है दोबारा, तीसरी बार भी डालेगी, लेकिन फिर उसमें वीकनेस आ जाती है। कभी कभार मादा के भी नीचे सीने पे हड्डी निकल जाती है, या तो मादा फिर अंडे डालना ही बंद कर देती है। मैं आपको दिखा दूंगा अभी क्विकली, टाइम उतना नहीं है कि शाम हो रही है। तो मैंने 5 जगह बनाया, 5 जगह मेरे अभी कबूतरों के अंडे हैं, मैंने दो दो अंडे रखे हैं जंगली के नीचे, क्योंकि जंगली जो होता है, ये बता दूं मैं क्विकली, जंगली जो, अगर आप आपके पास कोई एक ऐसा पेयर है जिस पेयर के अंडे आपको बड़े बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर बड़े होके मरते हैं, कभी कभार किसी कबूतरबाज की होती है, बच्चे बड़े होते हैं मतलब उड़ने लायक हो जाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली मर जाते हैं, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, अचानक मर जाते हैं, वो इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो अगर आप जंगली के नीचे उसके अंडे रखोगे, जंगली जो लाता है वो बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ें खाता है, जो हमारे कबूतर, क्योंकि हमारे कबूतर पेट होते हैं, इनको जो हम खिलाएंगे यही खाएंगे,
ये ज़मीन के ऊपर नहीं जाते, जंगली जाता है, खेतों में, खलिहानों में, हर एक जगह जाता है। तो उससे क्या होता है, जंगली वाइटामिन बहुत ही मिनरल रिसोर्सेस होते हैं जंगली के खाने में, तो उसमें इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी को आपके बच्चे की, जहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम बच्चे जो है ना, वो जो लेफ्ट साइड से आप देख रहे हो कॉर्नर पे बटेर, तीन ये तीनों जंगली के पैदाइश है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। मेरा एक पेयर था, बहुत ही बढ़िया मोती वाला पेयर था मेरा, उसके बच्चे मेरे को मरते थे बड़े होके, लेकिन मैंने जब से जंगली के नीचे रखे हैं, जंगली इम्यूनिटी बढ़ा देता है, जंगली के खाने में इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जंगली के यूज़ कीजिए, लेकिन हाँ ये देख लीजिए अपने कबूतर की, एक तो याद रखिए जंगली के अंडे यूज़, जंगली यूज़ करने एज एन इंक्यूबेटर यूज़ अगर जंगली करोगे आप, तो पहली शर्त ये है कि मादा को आप अंडे उठा रहे हो अपने, तो वो अंडे जंगली के नीचे रख रहे हो, लेकिन जंगली के नीचे रखने के बाद अपनी मादा को कम से कम 5-10 दिन फिर भी बैठने दो, खराब अंडे रखो अपने मादा के, क्योंकि क्विकली उसको दूसरे अंडे मत दो। दूसरी बात, फिर पहले जंगली के अंडे चेक करो, अगर वो ब्लैक हो गए या उनके, उसको टॉर्च से देखो, लाइट या एक बल्ब के बीच में से देखो, फिर देखो अगर उसमें वेन्स बनी है तो ज़ाया मत करो यार, गुनाह है वो बात। अदरवाइज मैं जंगली के अंडे खा लेता हूँ, ठीक है, या तो जंगली के अंडे शेक कर लेता हूँ। और हाँ, अगर आपके पास अब एक ही अंडा है, ये कोशिश मत कीजिए कि आप एक ही अंडा जंगली के नीचे रखोगे, क्योंकि जंगली बहुत ही शकी होता है, वो सोचता है कि मेरा एक अंडा कहाँ गया, फिर मैं एक अंडे के लिए अपने 17 दिन ज़ाया क्यों करूँ, अपनी 2 महीने ज़ाया क्यों करूँ, 17 दिन के बाद अंडे निकलेंगे, तो वो फिर वो उसको भी ज़ाया कर देता है, ठीक है। तो आप एक काम करा क्या करो, अगर एक ही अंडा आपको है तो एक खराब अंडा शेक करके रखा करो जंगली के नीचे, और एक अपना वाला अंडा, ठीक है, उसको लगेगा 2 अंडे, फिर वो ऑटोमेटिकली 10-15 दिन के बाद वो दूसरा अंडा फेंक देगा, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा जो ऊपर वाला लॉफ्ट है, तो इस लॉफ्ट के ऊपर मैंने बनाया है ऐसे, देखोगे आप, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, फाउंड करोगे, यहाँ पे एक जंगली कबूतर बैठा है, ठीक है, इसने 2 बच्चे निकाले अभी, अभी मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ये आपको दिख रहा होगा वैसे मेरे हिसाब से, तो ये एक है, ऐसे मेरे पास 5 है अभी, नीचे वाले लॉफ्ट के साइड में मैंने बनाया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ से, मे बी हाँ मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो मैं आपको पता ही, नए बच्चे निकले हैं, ये मैं इनको पिंजरे में रख लेता हूँ, फिर ये अगर ये खुल भी जाए, ये कहीं नहीं भागते, ये मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे वाले लॉफ्ट का लुक, यहाँ से आप देख सकते हो, ये जो यहाँ से जंगली के निकल गया, जंगली यहाँ से 2 बच्चे, इसमें अगर आपको दिख रहा होगा, ये 2 मैंने बनाए यहाँ पे, इस साइड से 2 बच्चे हैं, इस साइड से 2 बच्चे हैं, यहाँ पे नीचे भी और 3 जंगली पेयर्स के, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको, वो दिख रहा आपको जाली दिख रही होगी आपको, वो जो नीचे जाली दिख रही होगी, यहाँ तो वो जाली दिख रहा है कॉर्नर में 3 का, तो इस कॉर्नर में मैंने जंगली रखा है, इसके नीचे भी 2, वो जूम कर लेता हूँ इसके बाद, ये जो आपको दिख रहे हैं सेंटर में, ये शेड दिख रही है, लेकिन उधर भी है, तो यूज़ कीजिए लेकिन प्रॉपर वे में यूज़ कीजिए, ऐसे मतलब ज़ाया मत कीजिए इनके अंडे, ज़ाया गलत बात है, खा लेता हूँ मैं इनके अंडे, 2-2 अंडे यूज़ कीजिए, हाँ। और मैं भाई कोशिश करता हूँ आपको, मैं बाकी की तरह एक वीडियो नहीं बनाऊँगा, एक वीडियो, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जितनी भी मुझे याद आ जाता है, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे कुछ याद आ जाता, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँ इस वीडियो में। अब तो मैंने आपको, एक तो मैंने जंगली यूज़ करने का तरीका बताया, फर्टिलिटी बचाने का भी तरीका बताया, क्योंकि अगर आप 10 दिन के बाद फिर अंडे उठाओगे ख़राब अंडे, फिर उनको लगेंगे 5-6 दिन और अंडे डालने में, तो अगर आप बाकी मिनरल्स वगैरह उनको दे रहे हो तो मादा की फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर, ठीक है, कंटिन्यूस एग लेने से। और तीसरी बात ये भी है, अगर कोई पेयर है जिसके बच्चे मर रहे हैं, थोड़े बड़े होके मर मर रहे हैं, तो उनको जंगली के नीचे रखो, जंगली फर्टिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि जंगली इम्यूनिटी बढ़ाता है, और इम्यूनिटी सॉरी फर्टिलिटी नहीं बता रहा, जंगली इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है तो कबूतर को बीमारी नहीं होती है, तो स्ट्रांग हो जाता है। मेरे जो नीचे वाले पेयर है, लगभग मैक्सिमम वो बड़े जो है, मैक्सिमम जंगली नहीं उनके बच्चे निकाले हैं, फिर मैंने उनको बंद रखा। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, आज मैं मान लो बहुत दिनों के बाद घर पे मिला टाइम बैठने का, आज बहुत ही गर्मी का दिन था, तो चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे
स्टे सेफ, बी सेफ एंड डोंट थिंक नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज. आई एम मेकिंग दीज वीडियोज नॉट फॉर एनी पर्पज ऑफ अर्निंग एंड ऑल थिंग एंड एनी थिंग. आई एम जस्ट मेकिंग ऑल दीज वीडियोज जस्ट टू शेयर माई नॉलेज, जस्ट टू शेयर गिव द इंफॉर्मेशन टू पीपल हु डोंट नो. बिकॉज मेरे को यार, मुझे पता है यार, बाकी लोगों को पता है, जिसको पता नहीं है उसके लिए नहीं बना रहा हूँ. क्योंकि द फ्रेंड्स हु लाइक्स माई वीडियोज, हु सब्सक्राइब माई चैनल, उनको पता है यार, उनको इन्फॉर्मेशन पता नहीं है. आप यार अपनी नॉलेज अपने पास मत रखो, अपनी नॉलेज शेयर करो, अपनी नॉलेज शेयर करो यार. जब व्हेन यू विल शेयर योर नॉलेज यार, वो बढ़िया बात है यार. हम मरेंगे यार, सबको मरना है एक दिन, तो फिर लास्ट में क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा भाई. इट्स बेटर टू शेयर योर नॉलेज, इट्स बेटर टू शेयर योर नॉलेज विद पीपल, ठीक है, पीपल हु डोंट हैव दैट नॉलेज. यार अच्छा किसी के साथ अच्छा करो यार, अच्छा ही हो, अच्छा ही आपके साथ होगा, ठीक है. आप एक कर रहे हो, आप अपने पास रख रहे हो नॉलेज, फिर आप अधूरी नॉलेज दे रहे हो किसी को,